हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री महाकाली डेली अपडेट्स। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए हमारा तेलंगाना साउथ इंडियन डिश आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ। आज बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही स्पेशल है ये डिश। प्लीज़ आप लोग आपका घर पे एक बार ट्राई करो, मुझे फीडबैक देना भूलना मत फ्रेंड्स। जो भी मेरा चैनल पहले बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाजू का बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत फ्रेंड्स। और जिनको मेरा चैनल अच्छा लगता है वो लोग वीडियो देखने के बाद एक लाइक देना भूलना मत फ्रेंड्स। और इस वीडियो आप लोग बिना स्किप से देख लीजिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही एंजॉय करेगा आप लोग देख के। और इस डिशेज आप लोग आपका घर पे बना के एंजॉय करो फ्रेंड्स। एक्चुअली 7 जून में अपने को बारिश आते हैं, वो अपना स्पेशल रहते हैं मृगशिरा पौर्णमी का, तो उसी के लिए हम लोग वो मच्छी कड़ी कंपलसरी खाते, उस वजह से मैंने मच्छी बनाया। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैंने गैस पे मैंने एक तवा रखा है और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लेके जीरा का थोड़ा जीरा और थोड़ा मेथी दाने का दाने डाल के फिर कांदा को 5 कांदा को लंबा लंबा बारीक काटा हुआ है फ्रेंड्स, उसको अच्छी तरीके से फ्राई करके ले रही हूँ अपना ऑयल में। ऐसा फ्राई करने में इसका जो भी मसाला है बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, मच्छी में बहुत अच्छा लगता है और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस डिश को आपके घर पे ट्राई करो। फिर 1 से 1.5 मुट्ठी तक मैंने अक्का धनिया की पाउडर ऐड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 किलो मच्छी है ना, तो अच्छी तरीके से अपना ग्रेवी थोड़ा सा थिकनेस बनने के लिए अच्छी तरीके से मैंने मसाला बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने ऑयल में फ्राई करके ले रहे हैं। देखो फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन कलर में आ रहा है, तो ऐसे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आने तक अपन अच्छी तरीके से फ्राई करके लेना है। और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को यूज़फुल है, तो आप लोग प्लीज़ जो भी नया खाना बनाने का सीखना है, नहीं तो साउथ इंडियन डिशेस को टेस्टी करना, जिनको भी एक्साइटेड होते हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जाके वॉच करो, आप लोग को सब जो भी डिश है वो डिश मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अच्छा से फ्राई करके लिया है गोल्डन ब्राउन कलर में, अभी हो गया फ्रेंड्स अपना फ्राई। देखा यहाँ पर मैंने टोमेटो भी मिक्स करके लिया है, टोमेटो कांदा वो चिकन रसा के लिए मैं बताऊंगी फ्रेंड्स आप लोग को। ये जो भी फ्राई करके लिया उसको मैंने मिक्सर में डाल के, मिक्सर का बाटी में डाल के उसको ग्राइंड करके लिया। देखा फ्रेंड्स, एक बार हाथ से मैं चेक कर रही हूँ कि कितना बारीक हुआ है कि नहीं करके, फिर चेक करने के बाद वापस मुझे लगा थोड़ा भरका भरका है, इसलिए फाइन पेस्ट करने के लिए वापस मैंने उसको फ्राई करके लिया। फिर यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन रखा है फ्रेंड्स, उसमें मैंने जितना ऑयल चाहिए उतना ऑयल मैंने ऐड किया, 3 से 4 टेबलस्पून तक मैंने ऑयल ऐड किया इस मिट्टी की कढ़ाई में। बहुत अच्छा है ना फ्रेंड्स दिखने के लिए, कितनी मस्त है ना, क्यूट क्यूट। और इसमें मैंने ऐड किया है पहला मिर्ची और कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जीरा। देखा फ्रेंड्स अच्छे से फ्राई हो रहे। आप जिनको भी ये डिश पसंद आया प्लीज़ एक लाइक और कमेंट देना भूलना मत। देखा फ्रेंड्स, थोड़ा सा जीरा ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी अपन उसका पेस्ट किया ना फ्रेंड्स, उसमें भी ऐड किया है, और जीरा और अक्खा धनिया का पाउडर भी अपना को ऐड करना पड़ता है, उस वजह से थोड़ा सा लाइट क्वान्टिटी में ऐड करने का। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जीरा और मेथी दाने की पाउडर ऐड किया, ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं फ्रेंड्स मच्छी की कड़ी में ऐड करने के लिए। अभी देखा फ्रेंड्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट अपन ऑयल में ऐड किया है वो। फिर अभी मैंने जो मसाला मैंने बना के लिया है फ्रेंड्स, उस मसाला को मैंने तेल में ऐड किया, ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई करके लूँगी तेल में इस मसाला को। देखा फ्रेंड्स कितना गाढ़ा गाढ़ा है अपना मसाला, एकदम ग्रेवी अपना को अच्छी तरीके से थिकनेस में बनना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखा यहाँ पर अच्छे से फ्राई होने के लिए 2 मिनट के लिए अपन ढक्कन रख देंगे, ढक्कन रखने से उसका जो भी बास होता है कांदा का कच्चा बास वो पूरा निकल जाएगा, तो अपना का अच्छा टेस्टी आता है अपना रस्सा को। और 1 से
डेढ़ स्पून तक मैंने अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड किया है यहाँ पर, अच्छा रहता है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग भी इस डिश को ट्राई करना भूलना मत, डिफरेंट डिश है ये हमारा साउथ इंडियन का। देखा फ्रेंड्स, वाह मसाला तो क्या इतनी अच्छी लग रहा है ना फ्रेंड्स। सब मसाला ऐड करने के बाद और भी बहुत यम्मी दिखता है इस मसाला। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग आगे मेरा वीडियो को बिना स्किप से इस वीडियो को वॉच करो फ्रेंड्स प्लीज़। अच्छी तरीके से आप लोग तीन डिश मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइटली कसूरी मेथी ऐड किया है फ्रेंड्स इसमें, और एक पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड किया। उसके बाद ढक्कन रख के फिर 2 मिनट्स के लिए मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करके लिया है। देखो अभी फ्राई होने के बाद अपन एक बार मैं चेक करती हूँ, फिर इसमें स्वादिष्ट अनुसार हलद, स्वादिष्ट अनुसार नमक ऐड करके ले रहे हैं फ्रेंड्स। हलद डालने के बाद देखा फ्रेंड्स अपना मसाला को कितना अच्छे से कलरफुल आ गया, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इस डिश को ट्राई करना भूलना मत, बच्चे लोग भी बहुत पसंद से खाएगा। फिर अभी मैंने 1 से 2 स्पून तक मैंने लाल मसाला भी ऐड किया है फ्रेंड्स। देखा इसका लाल मसाला ऐड किया हुआ क्लिप मिस हो गया फ्रेंड्स, सॉरी। अभी देखो यहाँ पर मिक्स करने के बाद फिर मसाला पकने के लिए 1.5 मिनट तक मैंने कुक किया, तो देखा फ्रेंड्स कितना उसका ऑयल ऊपर आया, तो इसका मतलब मसाला पक गया। तो मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को मैंने इस ग्रेवी में ऐड किया है। अभी देखो फ्रेंड्स चिंचा ऑलरेडी मैंने भिगो के रखी थी 50 ग्राम तक, फिर उस चिंचा का जूस निकाल के इस मच्छी कड़ी में ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चिंचा का रसा मेन इंग्रेडिएंट है इस मच्छी कड़ी में, बहुत टेस्टी लाते हैं। यहाँ पर अपना महाराष्ट्र में तो कोकम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा साउथ इंडियन मस्ट एंड शुड ये इमली का रसा यूज़ करते हैं, मीन्स इमली की जूस यूज़ करते हैं। तो जिनको ये टेस्टी अच्छा लगता है प्लीज़ एक बार ट्राई करना तो भूलना मत फ्रेंड्स। और जितना चाहिए उतना मैंने पानी ऐड करके, देखा फ्रेंड्स मिट्टी का बर्तन है पर थोड़ा भी गर्म नहीं हुआ है, इतना हाई फ्लेम पे मैंने कुक कर रही हूँ, लेकिन उसका जो भी कढ़ाई है पकड़ने का हेल्पफुल है वो तो बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे इस बर्तन में खाना बना के। वाह देखा अपना रसा एकदम मसल रहे, अच्छी तरीके से कुक हो रहे सी फ्रेंड्स। वाह जो ग्रेवी क्वांटिटी होना चाहिए अपने को उस ग्रेवी क्वांटिटी आना चाहिए। देखा फ्रेंड्स इतना भी पतला नहीं इतना भी गाढ़ा नहीं। अभी इसमें अपन मच्छी ऐड करेंगे सी, 45% अपना रसा कुक हुआ है। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा मच्छी है ना, ये रोक मच्छी है, रावस बोलते हैं इसको, रावस मच्छी है फ्रेंड्स। वाह कितना अच्छे से मैंने साफ़ किया है ना, एकदम वाइट में जाड़ा नमक, दो मुट्ठी जाड़ा नमक डाल के अच्छी तरीके से इसको साफ करके लिए। देखा फ्रेंड्स कितना वाइट है, कितना अच्छे से मैंने साफ़ किया, अच्छा लगता है ना। नहीं तो अगर ऐसा नहीं रहेगा मेरा बच्चा खाने को पसंद नहीं करते, काला काला रहेगा, तो इसलिए। देखा फ्रेंड्स एक ही जगह पीसेस डालना नहीं चाहिए रहते, इधर एक उधर एक, ऐसा हर जगह पीसेस को डिवाइड करके डालना पड़ता है। ऐसा डिवाइड करके डालने से रसम में पीसेस अच्छी तरीके से कुक होते हैं और एक दूसरे से टच नहीं होगा और पीसेस टूटने का चांसेस नहीं रहते। और इस फिशेस डालने के बाद अपन 1 से 2 बार स्पून से एक बार मिक्स करने का, बस उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं करने का। देखा फ्रेंड्स कैसे मैं कर रही हूँ, ऐसा 1 or 2 times मिक्स करने का बस। उसके बाद गैस स्लो फ्लेम पे 10 मिनट्स तक कुक करने का, स्लो फ्लेम पे। देखा आफ्टर 10 मिनट्स मैंने देखा तो अच्छे से कुक हो रहा है अपना मच्छी कड़ी, बहुत ही अच्छा यमी है। देखा कितना तरी ऊपर आ गया, मैंने धीरे से स्पून से मच्छी ऊपर निकाल के देख रहे तो रेडी हो गया। तो मैं गैस बंद करने के समय पे अच्छा से हरा धनिया ऐड करके लिया है, फिर ढक्कन रख दिया, फिर गैस बंद किया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अभी चिकन रसा बना रही हूँ और एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के, कड़ा मसाला डाल के, फिर थोड़ा सा जीरा ऐड करके, हरा मिर्ची ऐड करके,
ऐड करने के बाद देखा फ्रेंड्स कितना, अभी कड़ी पत्ता भी ऐड किया, वो तेल पूरा छिड़क रहा था ना फ्रेंड्स, उस वजह से मैंने ढक्कन रख दिया। अभी टोमेटो और कांदा की पेस्ट किया था ना फ्रेंड्स, उसका ग्रेवी के लिए वो ऐड किया। फिर 1 से 1.5 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके फिर अच्छी तरीके से मिक्स करके ले रही हूँ। यहाँ पर बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स चिकन रसा, तो ऑलरेडी 2-3 बार आप लोगों को शेयर किया है, लेकिन ये हमारा तेलंगाना स्पेशल डिश है, उस वजह से वापस दोबारा एक बार बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ सी देखिए। और थोड़ा सा यहाँ पर हलद मैंने ऐड किया है, और हमारा हलद तो खेती का हलद है फ्रेंड्स, हम लोग आउटसाइड में कभी नहीं हलद खरीदते, तो हम लोग घर का ही हल्दी रहते हैं। गाँव में मेरा मामा का लड़का खेती करते हैं, तो उन्होंने दे देते हैं हमको। देखा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड किया, एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करके ले रहे, तो उसी हल्दी को हम लोग ने ग्रेड करने को देते हैं, फिर वही लेके आते हैं 2-3 किलो तक गांव से साल में एक ही बार। और स्वादिष्ट अनुसार नमक ऐड किया, वो भी एक बार मिक्स करके लेने के बाद चिकन देखा फ्रेंड्स कितना अच्छे से साफ, कितना वाइट होने तक 5-6 बार मैंने चिकन को अच्छी तरीके से धो के लिया है। तो आप लोग भी कभी चिकन लाते हैं तो 1 या 2 टाइम्स बिल्कुल मत धोना, 4 से 5 टाइम्स अच्छी तरीके से सफ़ेद होने तक धोना प्लीज़, क्योंकि अभी ये कोरोना का टाइम में अच्छा नहीं है डेस, इसीलिए प्लीज़ जो भी आप लोग काम करते हैं तो प्लीज़ परफेक्ट करना, क्योंकि अपना हेल्थ रहेगा तो वेल्थ रहेगा। तो पहला अपना हेल्थ को अपन अच्छी तरीके से रखना अपना बाध्यता है, तो प्लीज़ भूलना मत, जो भी काम करते हैं प्लीज़ परफेक्ट करो। अभी मेरे चिकन को मैंने अच्छी तरीके से ढक्कन रख दिया पकने के लिए। यहाँ पर देखा फ्रेंड्स मेरा मच्छी कड़ी रेडी हो चुका है। वाह, अपना चिकन भी देखा मोस्टली 30-40% कुक हुआ है, तो अभी मैं मिक्स करके ले रही हूँ फ्रेंड्स। वाह, मैं इसमें अभी तक लाल मसाला ऐड भी किया नहीं, फिर भी देखा फ्रेंड्स कितना यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी चिकन अपने को दिखाई दे रहा है। अभी मैं लाल मसाला ऐड कर रही हूँ 2 स्पून तक करीब, स्पाइसी खाते हैं ना फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा, इसलिए अच्छा लगता है। तो मैंने 2 स्पून का लाल मसाला ऐड करने के बाद मिक्स करके लिया है फ्रेंड्स। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी देखो अपने को जितना ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी का आंसर थोड़ा सा पानी ऐड करके लेंगे फ्रेंड्स इस चिकन का रस्सा में, क्योंकि अपना चिकन भी हाफ बॉयल ही हुआ है, मीन्स 40% ही कुक हुआ है, और अपने को 60% कुक होना है, तो थोड़ा सा वाटर क्वांटिटी ज़्यादा डालने का, और अच्छी तरीके से अपना चिकन कुक होने तक उसको कुक करके लेना है फ्रेंड्स। देखा जितना पानी चाहिए उतना पानी मैंने ऐड किया है फ्रेंड्स। अभी अपना चिकन पकने के टाइम पे बिफोर 5 मिनट्स मैंने हरा धनिया ऐड किया है, और मैंने एक बार चेक कर रहा है चिकन पका है कि नहीं, तो पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है चिकन में, तो इसलिए और 5 मिनट कुक करके लेने के लिए ढक्कन रख दिया फ्रेंड्स। वापस मैं चेक कर रहा है, वाह जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी आ गया मुझे। तो अभी से देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैंने गैस को बंद किया है, मेरे चिकन रेडी। अभी दूसरा बांडी लिया है, इसमें करीब 1 से 1.5 स्पून तक मैंने घी ऐड किया है, अपना बर्तन बहुत गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, और उसी घी में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून तक तेल ऐड किया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने अभी देखा लवंग, वेलची, दालचीनी, बड़ा इलायची, लवंग, काला मिरी, ये सब खड़ा मसाला जो भी है फ्रेंड, चक्री फूल, ये सब मैंने ऐड किया है, और बगारा तेज पत्ता भी ऐड किया है फ्रेंड्स, और काला पत्ता भी ऐड किया है। ये बघारा राइस बोलते हैं, हमारा साउथ इंडियन स्पेशल है फ्रेंड्स। अभी छीला हुआ 4-5 मिर्ची भी इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये सब ऐड करने के बाद कड़ी पत्ता भी मैंने ऐड किया है, कड़ी पत्ता ऐड करके फिर ये बघारा राइस है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे लोग तो बहुत पसंद से खा लेते हैं। और पुदीना भी ऐड किया है फ्रेंड्स 1 मुट्ठी तक। इस पुदीना ऐड करने के बाद अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स करके लिया एक बार। अभी थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड करेंगे फ्रेंड्स 1 स्पून तक। देखा इस जीरा को अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई होने देने का है,
और बहुत टेस्टी लाता है जीरा, काला पत्ता, तेज पत्ता, ये खड़ा मसाला और वटाना भी ऐड किया है फ्रेंड्स, गिल्ला वटाना है इसको भी मैंने ऐड किया है इस राइस में। ये तो ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। अभी ये सब ऐड करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ज़्यादा कुक होने का कोई ज़रूरत नहीं, और स्वादिष्ट अनुसार नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पर। स्वादिष्ट अनुसार नमक ऐड करने के बाद फ्रेंड्स सी मैं एक बार मिक्स करके लिया, ये थोड़ा सा शैलो फ्राई भी हो गया ना तो बस हो गया। अभी यहाँ पर मैंने दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये छोटा वाटी है, इस वाटी से मैंने 5 वाटी राइस लिया है, नॉर्मल रेगुलर राइस लिया है जो मेरे घर पे डेली यूज़ करते हैं वही 5 कप। तो 5 कप को 1.5 कप अपन ऐड करना है फ्रेंड्स, अपना को 1.5 कप इसमें ऐड करना है। देखा 2 कप मैंने ऐड किया है, 3 कप हो गया, 3 कप का पानी हुआ है फ्रेंड्स अभी तक। मैं 5 कप का चावल लिया तो 3 कप पानी हुआ है, ये 4 कप पानी हो गया, ये 5 कप हुआ है फ्रेंड्स, 6 कप पानी हुआ है और 7 कप डाल के और आधा 7.5 डाला है फ्रेंड्स मैंने, 1 कप को 1.5 कप का हिसाब से सी फ्रेंड्स आधा कप भी ऐड किया है, इसका मतलब 1 कप को 1.5 कप का पानी हिसाब से, 5 कप को 5 कप और 5 आधा पूरा 7.5 कप का पानी ऐड करके एक बार मिक्स करके लेके फिर मैंने ढक्कन रख दिया है फ्रेंड्स। ढक्कन रखने से अपने को जल्दी से जल्दी और इसमें मेन इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स अदरक लहसुन पेस्ट को पानी में ऐड करना पड़ता है। देखा 2 स्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड किया है, अभी एक बार अदरक लहसुन पेस्ट को मिक्स करके देखा फ्रेंड्स, पानी का कलर ही चेंज हो गया है अपना अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद, बहुत से स्वादिष्ट लाता है। अभी देखिए फ्रेंड्स ढक्कन रख दिया, देखा साइड से देखिए फ्रेंड्स कैसे बबल्स आ रहे हैं ना, तो पानी देखो रोलिंग बॉयल हो रहा है, रोलिंग बॉयलिंग हो रहा है अच्छी तरीके से। मैं एक बार मिक्स करके लिया है क्योंकि ये जितना रोलिंग बॉयलिंग होएगा उतना अच्छा है, क्योंकि अपने को इसमें चावल ऐड करना पड़ता है। वाह मस्त रोलिंग बॉयलिंग हो रहा है ना फ्रेंड्स पानी। अभी देखो यहाँ पर मैंने इस राइस को अच्छी तरीके से आधा घंटा पहले भिगो के रखी हूँ, 2-4 बार धो के लिया है, कितना सफ़ेद दिख रहा है ना फ्रेंड्स अच्छी तरीके से। और एक स्ट्रेनर लिया मैंने, स्ट्रेनर का हेल्प से मैंने इस राइस को पानी में ऐड करके ले रहे हैं। देखा फ्रेंड्स अपना स्ट्रेनर भी बहुत बड़ा है, उसमें एक बूंद भी पानी रहेगा नहीं, पूरा पानी निचोड़ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उस ऑयल पानी में पूरा चावल को ऐड करके ले रही हूँ। देखा फ्रेंड्स अभी थोड़ा थोड़ा चावल लेके अच्छी तरीके से उसमें ऐड करके ले रही हूँ, और फाइनली थोड़ा चावल था उसको भी ड्रेन करके लिया है फ्रेंड्स। अभी एक बार मिक्सअप करके लेती हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छी तरीके से, वाह ढक्कन रख के 5 मिनट रखने से अपना राइस देखो फ्रेंड्स कितना मस्त बन गया। मैं चारों तरफ से अच्छे से ऊपर नीचे कर रहा है राइस को, देखा फ्रेंड्स अपना जो भी इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो कैसे राइस में मिक्स हुआ है, वाह कलरफुल लग रहा है ना फ्रेंड्स, ग्रीन एंड वाइट एंड ब्राउन। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा है, ये राइस तो सूखा सूखा लग रहा है लेकिन अंदर से पानी देखा कितना है, इसलिए उसको वेल एंड गुड मिक्स करके लिया है फ्रेंड्स ऊपर नीचे। वाह आधा भी राइस नहीं हुआ था जब भी मैंने ऐड की थी, लेकिन देखा फ्रेंड्स पूरा बर्तन भर का राइस हो रहा है। देखा फ्रेंड्स वो राइस भी कैसे फूल जैसे बना है, देखा चिपकू चिपकू बिल्कुल नहीं बनते है, वैसे चिपकू चिपकू रहेगा तो मेरा बच्चे का बाप तो हाथ भी नहीं लगाएगा उस राइस को, उसको एकदम खुला खुला चावल चाहिए, वो बहुत अच्छे से पसंद से खाएगा, अगर चिपकू रहेगा तो बिल्कुल नहीं खाएगा। अभी से देखिए फ्रेंड्स हो गया अपना बघारा राइस रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग आपका घर पे ट्राई करना भूलना मत। लास्ट एंड फाइनल मैंने हरा धनिया डाल के गैस को बंद किया है फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए रख के, फिर अभी फाइनली मैंने देखा फ्रेंड्स ढक्कन उल्टा साइड में रख दिया, क्योंकि कुछ अगर क्वांटिटी ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, साइड से सूख नहीं जाएगा राइस, इसलिए देखा फ्रेंड्स
फाइनली होने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखा रहे, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेक करके भी ले रहे, देखा कितना अच्छे से कुक हो चुका है अपना राइस सी। इसलिए आप लोग भी इसी सेम क्वांटिटी में सेम पानी का क्वांटिटी डाल के छोटा छोटा टिप्स फॉलो होकर आप लोग बनाएगा तो बहुत टेस्टी बघारा राइस आप लोग को भी बनाएगा। हमारा साउथ इंडियन तेलंगाना स्पेशल डिश बघारा राइस। वाह, फिर अभी देखो फ्रेंड्स, मैंने प्लेट में डिश आउट कर रहे हैं आप लोगों के प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से। 2 स्पून तक मैंने यहाँ पर राइस लिया है फ्रेंड्स। उस राइस को अच्छे से प्लेट में रखने के बाद मैंने मच्छी का डेकोरेशन करने के लिए थोड़ा सा राइस का बीच में थोड़ा होल कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मैंने मच्छी कड़ी डालूँगी तो बहुत अच्छे से दिखेगा, यम्मी यम्मी। और मैंने सुबह बनाया हुआ चपाती है मेरे पास, वो चपाती को भी रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, चपाती सुबह बनाया हुआ यहाँ पर मैंने वो भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा साउथ इंडियन लोग आप लोग राइस ही खाते हैं, चपाती नहीं खाते। नहीं, हम लोग भी चपाती खाते पर एक ही टाइम खाते, 2 टाइम नहीं खाते। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा चिकन रसा है, उसमें मैंने चिकन भी ले रहे, चिकन इस चिकन रसा को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने प्लेट में ले रहे फ्रेंड्स। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक और शेयर कमेंट देना भूलना मत फ्रेंड्स। और बिना स्किप से मेरा वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जिनको अच्छा लगा मेरा वीडियो, थैंक यू सो मच। अभी मेरा इंट्रो आ रहा है, देखो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री महाकाली डेली अपडेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए तेलंगाना स्पेशल डिश है ये बघारा राइस और चिकन फ्राई, चिकन रसा प्लस मच्छी कड़ी। ये मच्छी कड़ी है ना फ्रेंड्स, ये 7 जून के लिए अपना बारिश के लिए बहुत स्पेशल डे होता है, तो उस दिन हमारे में तो मिर्गू बोलते हैं तेलुगु में, अभी हिंदी मराठी में शायद मिर्गी कुछ तो बोलते हैं, या कार्तिका मृगशिरा कार्तिका कुछ बोलते हैं, तो उस वजह से कंपलसरी सब लोग फिश खाते। तो 7 तारीख सोमवार है ना फ्रेंड्स, उस वजह से हम लोग ने उस दिन खाता नहीं, उस वजह से आज संडे, आज ही हम लोग ने प्रिपेयर किया है। तो आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये फिश कड़ी चिकन विथ चपाती बघारा राइस के साथ। तो आप लोग भी इस डिश को आपका घर पे ट्राई करो, और आप लोग भी एंजॉय करो आपका फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। इस लॉकडाउन की स्पेशल डिश है तेलंगाना स्पेशल डिश और चिकन रसा एंड बघारा राइस। हमारा तेलुगु में मीन्स तेलंगाना में कोई रिलेटिव्स आते हैं ना, फर्स्ट यही डिश बनता है, तो बहुत स्पेशल होता है। और इसकी कॉम्बिनेशन में खाने के लिए इस रसा के साथ गारेलू करके एक तीखा पापड़ बनता है, वो एक दिन मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाजू का बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय।